पूरे क्रिकेट जगत के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं बाबर आजम। T20 और ODI के बाद टेस्ट में भी नंबर वन बने किंग बाबर। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं बाबर आजम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की तारीफ की है और उनको लेकर भविष्यवाणी भी की है। रिकी पोंटिंग का मानना है कि बाबर आजम दुनिया के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं या फिर टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाजी की कुर्सी हासिल करने के लिए चुनौती पेश करेंगे। बाबर आजम टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में इस समय 9वें स्थान पर हैं, लेकिन वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वे नंबर वन की कुर्सी हासिल किए हुए हैं। ICC रिव्यू विद ईसा गुहा शो में बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा, यह केवल कुछ समय की बात है जब मुझे लगा कि वह या तो दुनिया के नंबर एक रैंक का टेस्ट बल्लेबाज बनने जा रहे हैं या निश्चित रूप से इसके लिए चुनौती देते नजर आएंगे। वह शायद अभी उस पद के लिए चुनौती दे रहे हैं और शायद अगर उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कुछ और टेस्ट मैच खेले होते तो वो उनके लिए दरवाजा खटखटाते नजर आते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने केवल एक बार बल्लेबाजी की और 36 रन बनाए। हालांकि यह विकेट बल्लेबाजी के लिए मुफीद था क्योंकि पाकिस्तान टीम की तरफ से 2 पारियों में 4 शतक लगे जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4 अर्धशतक जमाए गए। डेड पिच वाले मैच का नतीजा ड्रॉ रहा। सीरीज अभी भी 0-0 से बराबर पर है। ऐसे में वह शेष 2 टेस्ट मैचों में बड़े रन बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।